गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. जस्ट अ मिनट फॉर यू. आई वाज नॉट अबाउट टू हियर. यस. गुड मॉर्निंग. आज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम लग रहे हैं. सानिया आलम गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग सर. The strength is very less, very low. Good morning, sir. Good morning, Brinda. Was it your birthday yesterday? So can you? Sorry. Yeah, I'm saying that was it your birthday yesterday? Yes. I'm not able to see your video. Thank you, sir. Yes. So can you please repeat? I'm saying, was it your birthday yesterday? Yes, sir. Okay. Arey wow. Belated happy birthday. Thank you, sir. तो पार्टी हुई थी घर पे थे? Yes, sir. तो हमको पार्टी कब मिलेगी? मैं पूछ रहा हूँ हमको पार्टी कब मिलेगी? सर आपको पार्टी. सॉरी आवाज नहीं आ रही है. जिंदा. Yes, sir. मैं कह रहा हूँ हमको पार्टी कब मिलेगी? So sorry, I can't listen your voice. Okay, all of you please, can you turn off your videos? I think because of the videos, I think there is some problem. Videos are off camera, all of you. I'm saying Linda, कि मुझको party कब मिलेगी? अभी पार्टी के नाम से उसको लड़की को कुछ नहीं. सर I can't listen. I think you should rejoin the meeting. Everyone else, are you able to hear me? Yes, sir. Okay, my voice is clear. Am I audible properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So actually, in my earphone, sir, can you please send in a chat box? Hey, I think you try rejoining the meeting. Meeting to rejoin the meeting. Sir, is that? Sir, now can you please repeat? Now it's clear. Okay, I'm asking that party कब मिलेगी हमको? Sir, आप जब घर पे आएंगे तब आपको मिल जाएगी. जब घर पे आएंगे तो पार्टी मिलेगी. Sir, अभी आ जाइए. I will call you. जब मैं आऊँगा evening में तो मैं call कर लूँगा. सर आप अभी अपने पीजी को लेके वृंदा के घर जाके सरप्राइज कर दीजिए. इसको लेके वृंदा सबसे पहले तो मुझे पार्टी देना. तुम भी आ जाओ. वृंदा ऑनलाइन सब सेंड कर देना. केक वेक सब भी ऑनलाइन काट देंगे. ओके सब चीजें ऑनलाइन. वाह पार्टी भी ऑनलाइन गिफ्ट भी ऑनलाइन मिलेगा. सर लेकिन आपको घर पे आना है.
अच्छा नहीं बिल्कुल आई विल कम। सारे बच्चे एक एक केक लेकर के बैठेंगे सब विंदा के घर, वो मतलब का केक अपने घर पे काटेंगे ऑनलाइन वीडियो होम करके। सर लॉकडाउन सर कोरोना में क्या पेपर का केक काटेंगे हम लोग यहाँ पे? आनिया बेटा गुड मॉर्निंग, आनिया परवीन गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। ये आपकी सिस्टर है छोटी सी तो पास में बैठी थी, व्हाट इज योर सिस्टर? यस सर। व्हाट इज हर नेम? कुमेरा परवीन वृंदा की सिस्टर, थर्ड क्लास में पढ़ती है ना वृंदा? वृंदा अच्छा इसी वो योर सिस्टर एंड वृंदा सिस्टर आर इन द सेम क्लास? यस सर, दे बोथ आर इन सेम क्लास। चलो सो स्टार्ट करें। यस सर। ओके या टेल मी टिल व्हिच क्वेश्चन वी हैव डन। वी आर डूइंग द सेकंड चैप्टर फ्रैक्शंस, राइट? यस सर। यस सर। So we have done the sixth question. We have done the sixth question of exercise 2A. We have done till sixth question, fifth one. Fifth part. Okay. So we will be doing now question number 7 today. Yes, sir. Yes, sir. Let me share the screen. We continue. Code in the button. Can you see the board? All of you? Yes, sir. Question, this is chapter fractions. And this is exercise 2A. एक तो वैसे मेरी writing इतनी अच्छी है, ऊपर से मैं digital board use कर रहा हूँ, अभी नया नया मैंने use करना शुरू किया, तो और ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरी handwriting. Question number 7. Okay, question 7, first part, we have to simplify. First part, simplify. 2 upon 3 plus 5 upon 6 minus 1 upon 9. 2 upon 3 plus 5 upon 6 minus 1 upon 9. ये हमको simplify करना है, यहाँ पर addition भी है, subtraction भी है, तो बहुत simple सा काम है. First of all, there are three different fractions. You will see the तीन numbers में भी हम LCM same method से निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था already LCM निकालने का तरीका. So you just choose the greatest number denominator, सबसे बड़ा कौन सा है? 9. तो 9 को पहले चेक करो, इज इट डिविजिबल बाय 3 एंड 6? नहीं होता है, 3 से तो होता है बट 6 से नहीं होता है. डिवाइड 9, तो 9 की टेबल में अगला नंबर कौन सा आता है? दैट इज 18. अब 18 को चेक करेंगे, 3 से डिविजिबल है? यस होता है. 6 से डिविजिबल होता है 18? यस 6 से भी होता है, दैट मींस द एलसीएम इज 18. ओके, एलसीएम आ गया कितनी आसानी से, 18. नाउ 18 डिवाइडेड बाय 3 इज 6, 6 * 2 इज 12 प्लस 18 divided by 6 is 3, 3 into 5 is 15, minus
18 को 9 से डिवाइड करा 2, 2 into 1 is 2. So 12 plus 15 minus 2, 12 plus 15 is 27 minus 2, whole upon 18. So that means the answer is 25 upon 18. Clear? 25 upon 18. Yes. Without this? No, sir. Okay, next question. हटा दूँ अभी या नहीं हटाऊँ? सर हटा दे. Yes, sir. हटा दे. Done. Okay. So I'm going to the next question, which is the third part of this question. Third part. Third करूँ या second? third part of the question is 8 whole 5 upon 6 minus 3 whole 3 upon 8 plus 1 फाइल मैम पढ़ा रही है किसी बच्चे को? फाइल मैम किसके घर पे पढ़ा रही है? सर मेरी सिस्टर है. माय सिस्टर को पढ़ा रही है फाइल मैम. सो 8 होल 5 अपॉन 6 माइनस 3 होल 3 अपॉन 8 प्लस 1 होल 7 अपॉन 12. इसको सिंपलीफाई करना है. उसके लिए फर्स्ट यू विल कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इन फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. अभी ये मिक्स फ्रैक्शन है, इनको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे. तो 48 प्लस 3 इज 53 ऑन 6 माइनस 12 plus 7 over 25. Sorry, 12 plus 7 25. क्या बात? हाँ लो. शादी के बाद ऐसा हो जाता है. 19 upon 12. 19 upon 12. This is the third question. Okay. Now what is the LCM? मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ. कौन बच्चा मुझे एक मिनट में LCM बताएगा? So LCM is 24. Excellent. LCM is 24. Yeah. 24 is the LCM. Very good. So 24 divided by 6 is 4. 4 into 53 कितने हो गए? 212. Yes. Minus 3 into 27 हो जाते हैं आपके 81 plus 24 divided by 12 is 2, 2 into 19 is 38. Okay. So, अभी यहाँ पर थोड़ा सा integers भी use होगा. Integers पढ़ा था बच्चों ने, याद है? जी, integers. देखिए 212 प्लस 212 माइनस 81 प्लस 38. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जस्ट सी, देयर आर थ्री नंबर्स इन दिस इन द न्यूमरेटर. आप तीन नंबर देख रहे हैं आप. तो आउट ऑफ द थ्री नंबर्स फर्स्ट यू सेलेक्ट द नंबर्स विच आर पॉजिटिव. कौन कौन से नंबर्स यहाँ पर पॉजिटिव हैं? 212 एंड 38. वेरी गुड. So, जो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, यस करेक्ट, 212 एंड 38 पॉजिटिव नंबर्स को हम पहले करेंगे. कितना आया? 212 प्लस 38 250. फिर नेगेटिव वाले को मैंने ऐसे लिख दिया अभी, 81 होल अपॉन 24. अब 250 माइनस 81 कितना होगा? 250 माइनस 81 169, right? Yes, sir. 169 upon 24
इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, 144 168 is it 7 whole 1/24 चेक करना है. Yes, just check it. I'm not sure. Check it. Sir, the answer is sir 2 whole 1/2. Sorry? 7 whole 1/24. Yes, sir. Yes. That's right. 7 whole 1/24. Okay. Understood, all of you? You doubted? No, sir. So let's do the next one, which is question number 8. Word problems is harder than you answer. So I'm going to erase it from the board. Done, all of you? Yes, sir, you can. Can you erase? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Question number 8. Question 8 is Anita bought 3 whole 3/4 kg of apples, 4 whole 1/2 kg of guava. Total fruit उसने कितने खरीदे बताइए. ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जैसे अभी बच्चे सेकंड या थर्ड क्लास के बच्चे होंगे. एप्पल्स कोई कोई लेटर ऐसे बनता है मेरा ना जैसे कितनी अच्छी राइटिंग आने वाली है इसलिए थोड़ी देर में इसलिए बाहर आ जाती है. एप्पल्स 3 whole 3/4 kgs. Apple कितने खरीदे हैं? Guavas कितने खरीदे हैं? Guava 4 whole 1/2 kgs. 4 whole 1/2 kgs. Guava 3 kilo और 4 kilo के 7 kilo. 8 whole 1/4 आएगा आंसर. ऐसे बताओ. चलिए टोटल वेट ऑफ बोथ द फ्रूट्स, टोटल वेट यानी कि ऐड करना. कोई डाउट है बेटा समझने में कि क्या करना है क्वेश्चन में किसी बच्चे को? आई विल हेल्प यू. इज देयर एनी डाउट? नो सर. 3 whole 3/4 plus 4 whole 1/2 ऐड कर लेंगे. ऐड करने से पहले फर्स्ट यू विल कन्वर्ट इट इन प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या हुआ? सर आपकी हैंडराइटिंग बड़ी सही अच्छी है. हैंडराइटिंग अच्छी है मेरी? सही बताओ बेटा. मुझसे तो नहीं सर, सर मैथ में तो मेरी बहुत खराब है, समझ नहीं आते खुद को. ऐसा है कि सुबह सुबह 12 बजे से पहले मजाक करना नहीं होता. 12 बजे के बाद आप मजाक कर सकते. सर ऐसा क्यों? आई नो यू आर जोकिंग. नो सर मेरी तो मैथ में इतनी खराब है कि मुझे खुद के लेटर समझ नहीं आते कि क्या लिखा था मैंने. क्या बात. समटाइम्स इट हैपेंस विद मी आल्सो. सर इंग्लिश हिंदी की तो सही है पर मैथ्स की तो 15 upon 4. हाँ जी बोलो. सर मेरी मैथ्स और इंग्लिश लेकिन हिंदी की बहुत बुरी है. हिंदी की बहुत. यस सर. हिंदी तो मैंने आई थिंक पता नहीं कितने इयर्स हो गए मैंने हिंदी लिखी. हिंदी लिखना ही मैं भूल गया हूँ. कैसे लिखते? पढ़ना आता. हिंदी लिखना भूल गया हूँ. ट्राई करता हूँ रस्सी लिखने की हिंदी में. क्योंकि ज्यादातर सब्जेक्ट्स इंग्लिश में ही है ना. सही लिखा मैंने हिंदी में रस्सी. यस सर. यस सर. द
सर बट हिंदी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. हिंदी इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, क्या बात है. हिंदी इंग्लिश और सॉरी हिंदी मैथ्स एंड यस सर माय फेवरेट सब्जेक्ट इज सिविक्स मैथ एंड हिंदी. बड़ा अच्छा लगता है टू हियर दिस दैट मैथ्स इज योर फेवरेट सब्जेक्ट. अदरवाइज बच्चे मैथ्स से डरने लगते हैं पता नहीं. सर बिफोर फिफ्थ Sir, before 5th and 5th, I also was very scared from maths, but from 6th class, I love maths. Okay, sir, nice. I never scared from maths because whenever I'm scared, my father teaches me. Okay, and then your fear goes away when your father teaches you. Yes, sir. So my father also sometimes, so sometimes my father teaches me and maths and sir, sometimes I got to know that what he is saying and sometimes I can understand what he is trying to say in maths. Sir, whenever my father come here, so they sir, he teaches me maths and my mama teaches me all the subjects except okay. maths. Okay, so your father lives out of Bareilly? Yes, sir, he is a government teacher, so he lives out of Bareilly. Wow. Papa government teacher? Very good. Yes, sir. Understood? जब भी टाइम मिलेगा I like the those ones वाले biscuit होते हैं वो Oreo वो मंगवा के रखना घर पर वो वाले biscuits खाऊंगा मैं and उसके साथ में whatever चाय कॉफी टी कुछ भी चलेगा. चाय कॉफी टी तो एक ही बात होगी, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक. So if you are coming to Paridhi's house, please come to mine also. Yes, I will come to your house also. Tea, evening tea will be at Paridhi's house and dinner will be at your house. Okay, sir. Yes, sir. Sir, breakfast mere ghar pe kariyega. Wahan pe har ek COVID patient hai. Arey, ladka, mazak bana raha hai. Kaun hai? Naam batao beta. Sir, me. Sir, Arnav. Arnav, dara raha hai mere ko. Sir, you must have breakfast. Sir, nikla fresh, fresh. Arnav, where is your home? कहाँ पर है? Sir, near Ashish Royal Park. अच्छा, Ashish Royal Park से किधर जाना है? Sir, वहीं पे है सामने सुरेश शर्मा नगर. अच्छा, near that Bedi International School. Yes, sir. अच्छा, तो मैं आऊँगा नहीं आऊँगा. Sir, आइएगा, बहुत मजा आएगा sir. For the breakfast. Sir, let's yes. Sir, like I am writing the question number 8. Sir, sir, this is a word problem question. So can I write like Anita dash 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 by her? Yes. Anita bought apples bought by Anita. You can write it in the form of statements. Apples bought by Anita, 303 upon 4 kgs. Guavas bought by Anita. Sir, I'm saying that can I write the question? You want to write the question. Okay. Yes, if you want, you can write. Otherwise, there is no need to write the questions in the copy. You can just write the question number and then the answer. Okay. There is no need to write the question. Just question number sahi likhna bas copy. So that if you see, take help from your copy or book. If the question number is correct, you can easily find it. Okay, so done this one, all of you? Yes, sir. Yes, sir.
So now question number this period will get over at what time? It is started at 10:40. I think over 10, 11:10. It will get over at 11:20. सर सर अर्नव कैमरा ऑन करने के लिए कहेगा करने के लिए कही ऑन नहीं करेगा कहेगा मैं फ्री फायर कर यस सर सर मैं नहीं खेलना मैं बेटा मैं अभी यहां से भी तुम्हारा कैमरा सर फोन में से भाई की क्लास चल रही है सर मैं नहीं खेलता थोड़ा सा मैंने कल से फोन लगाया था मैंने कहा था यार बात कर लो तुम तो कह रहे थे ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई ऑन योर ओन दिस क्वेश्चन नाइंथ वन ट्राई करो डू यू नो द व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पेरिमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल मालूम है ओके सर राइट क्वेश्चन 9 यस सर पेरिमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2l + b दिस इज द फार्मूला ओके सर डन एक्सक्यूज मी सर यस सो व्हिच क्वेश्चन आर वी डूइंग एक्चुअली आई गॉट डिस्कनेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 we have to find the perimeter of a rectangle whose length and breadth are given. Length is 15 whole 3 upon 4. Length is equal to 15 whole 3 upon 4 centimeters and the breadth is 12 whole 1 upon 2 centimeters. 12 whole 1 upon 2 centimeters. We have to find the perimeter. Perimeter is equal to 2L plus B. So perimeter is equal to 2 into 15 whole 3 upon 4. Sir, my answer is 15. 12 whole 1 upon 2. Okay. So 2, 63 upon 4 plus 24, 25 upon 2. Squared karenge. Perimeter is equals 2 bracket 63 of अच्छा what is the LCM? The LCM is 4 63 plus 50 हो जाएगा ये so perimeter is equals to 2 brackets 63 plus 50 this is equal to 113 upon 4 अब यहाँ पर bracket लगा हुआ है 2 के बाद डायरेक्ट यहाँ पर क्या है ब्रैकेट सो दैट मींस दीस टू आर इन मल्टीप्लाई 2 इनटू 113 अपॉन 4 कैन यू सिंपलीफाई दिस आता है 4 को कट करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 को कट करके 1 आ जाएगा पेरिमीटर इज इक्वल्स टू 3113 अपॉन 2 सेंटीमीटर्स इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन आल्सो सो मिक्स फ्रैक्शन में योर आंसर विल बी 5 so my answer is same 13 6 56 whole 1 upon 2 centimeter this is the perimeter of the rectangle okay note down Sir? Yes. Sir, I have done 9 questions and 10 questions also.
10th question, there is a picture which is 7 home 3 upon 5 centimeters wide. How much should it be trimmed to fit in the frame 7 home 3 upon 10 centimeters wide? So, a frame hai aur ek picture hai. Frame jo hai wo size mein thoda chota hai. Ab mujhe koi picture agar frame mein fit karni hai, usme adjust karke lagani hai. मैं क्या करूंगा, आई विल हैव टू कट द फ्रेम को तो बड़ा कर नहीं सकता, इज इम्पॉसिबल फ्रेम को बड़ा करना. क्या कर सकते हैं, पिक्चर को थोड़ा सा कट कर लेंगे, ट्रिम कर लेंगे. ट्रिम मतलब कट, पिक्चर की जो लेंथ है थोड़ी सी ज्यादा है, उसको थोड़ा सा कट अगर हम कर लेंगे तो वो हमारी फ्रेम के अंदर फिट हो जाएगी. तो यही बताना है कि कितना उसको कट करना है, सिर्फ इतना बताना, पिक्चर को कितना कट करेंगे सो दैट वो फ्रेम के अंदर फिट हो जाए. उसके लिए क्या करेंगे, वी विल सबट्रैक्ट द लेंथ ऑफ frame from the length of the picture. Picture में से frame की length minus कर लेंगे, okay? And we will get the answer. So start doing, try it on your own. करो, I have explained the question. कि करना क्या है, you will try this and you will find the answer. करो. Okay, so have you all done 10th one? Yes, sir. Excuse me, sir. Yes. So in my laptop, it was showing that you have given me the permission to record. I have given you a permission to record. No, recording to, I think, USC on. Recording chal rahi hai na, yes. Recording on hai lika. Bata nahi ho sakta by the street post to button wagera press ho ga. I don't know. Maybe.
Okay, question number 11 start karunga. I hope you all have done question 10. Question 11. Sir, question number 10. No. अरुणा सर ने कहा था खुद से करना है क्वेश्चन नंबर 10. कीप योर माइंड्स ऑफ. हां जी बेटा क्वेश्चन 11 हैव यू ऑल डन क्वेश्चन 10. मुझे बताने की जरूरत है क्या क्वेश्चन 10 को? नो सर डन. ओके नो सर डन. क्वेश्चन 11 इज व्हाट शुड बी एडेड टू 7 होल 3 अपॉन 5 में क्या ऐड करें सो दैट टू गेट 18 द सम शुड बी इक्वल टू 18. So let, what should be added? Sir, we should let them. X should be added. Okay, हमने मान लिया let X should be added. So किसमें? 7 whole 3 upon 5. Sir, plus x is equal to 18. Yes. Sir, board teda dikh raha hai. Board teda dikh raha hai. Kaise? Just a minute. Sir, this is not a board. Oh. मतलब मोबाइल पे तो board जैसा ही है.